This is called self-defense. तो फाइनली दोस्तों, भाईजान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ने अपने 2 दिन कंप्लीट करके तीसरे दिन में एंट्री मार ली है और एक बार फिर पूरी दुनिया को साबित करके दिखा दिया है कि उनसे बड़ा सुपरस्टार बॉलीवुड में कोई और नहीं है। तो आज जानेंगे कि फिल्म कितनी कमाई कर चुकी है अभी तक, फिल्म हिट है या फ्लॉप, पहले दिन कितनी कमाई करी, टोटल कितनी कमाई कर सकती है फिल्म, सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दिन एक ऐतिहासिक ओपनिंग लेते हुए भाईजान की फिल्म ने लोगों के दिलों में जबरदस्त राज करा है और हर दिन एक नया रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा देकर बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम भी नहीं ले लिया। जी हाँ, मूवी को फराज साम जी के डायरेक्शन में लगभग 120 करोड़ के टोटल बजट में बनाया गया है, जिसमें प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी इंक्लूड है। बता दूं तो मूवी को इंडिया में लगभग 4500 से ऊपर स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, वहीं पूरी दुनिया में लगभग 5700 से ज़्यादा स्क्रीन दी गई थी अपने पहले दिन में। दोस्तों यकीन नहीं करोगे, अपने पहले दिन क्या धमाका मचाया है भाईजान की फिल्म ने। इसी के साथ फिल्म ने एक बम्पर ओपनिंग भी मारी। बता दूं तो अपने पहले दिन में ही इंडिया से लगभग 15 करोड़ का बिग कलेक्शन करते नजर आई फिल्म, और जो भी थिएटर से निकला बस भाईजान का नाम लेकर निकला। दूसरा, ओवरसीज में भी धमाल मचाते हुए भाईजान की फिल्म ने लगभग 16 करोड़ के आंकड़े को टच कर दिया है और टोटल कलेक्शन पूरी दुनिया में लगभग 30 करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया था अपने पहले दिन में ही, जो कि एक अनबीटेबल रिकॉर्ड है और इस साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बनकर हिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर लिया है पठान के बाद। बता दूं तो मूवी को बेहतरीन स्टारकास्ट से सजाया गया है, जिसमें आपको पूजा हेगड़े, वेंकटेश रघुपति, जगपति, शहनाज गिल, राघव जुआल और रामचरण जैसे दिग्गज स्टार देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मूवी को बहुत अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं अपने पहले दिन से ही, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में। दोस्तों सलमान खान के स्टारडम ने फराज साम जी के डायरेक्शन पर 4 चांद लगा दिए हैं, क्योंकि बहुत समय से उनकी फिल्में चल नहीं पा रही थी। लेकिन मानना पड़ेगा, फराज साम जी के डायरेक्शन काबिले तारीफ है मूवी में, और क्या विजुअल्स दिए हैं मूवी को, कई जगह माशाल्लाह कमाल है। कुछ एक्शन सीन तो बहुत ज़बरदस्त हैं, जो थिएटर्स में सीटियाँ और तालियाँ खूब बटोर रही हैं, और ओपनिंग में ही जो जिप्सी उठाने वाला सीन था, वाह क्या सीन है भाई साहब। दोस्तों जहां अपने पहले दिन बिगेस्ट ओपनिंग लेते हुए दूसरे दिन भी क्या धमाल मचाया सिनेमाघरों में और बॉक्स ऑफिस में, यस 90% की अमेजिंग ग्रोथ दिखाते हुए फिल्म ने क्या रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी है। लगभग 28 करोड़ का बिग कलेक्शन अपने दूसरे दिन किया था, जो कि पहले 2 दिन का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 43 करोड़ तक पहुंचा दिया था। वहीं दूसरे दिन तक का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 75 करोड़ के ऊपर सेट कर दिया था। दोस्तों सुपरस्टार सलमान खान की फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया में है, जबरदस्त है, यह तो साबित हो ही रहा है वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। बात करें आज यानी डे 3 में क्या कलेक्शन रहा फिल्म का, तो यस सुबह से ही 12 करोड़ का ऊपर बिग एडवांस कलेक्शन करते हुए मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग ऑक्यूपेंसी रेट लगभग 30 से 35% करते हुए लगभग 25 करोड़ का आंकड़ा पार कर रही है फिल्म, और शायद से शायद एंड ऑफ द डे 27 करोड़ का आंकड़ा भी टच कर लेगी। इसी के साथ पहले 3 दिन का इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 70 करोड़ के आसपास हो चुका होगा और टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 3 दिन का लगभग 100 करोड़ के ऊपर आंकड़ा सेट कर चुकी होगी फिल्म। दोस्तों और कहां तक आंकड़ा जाके रुकता है, नो वन नोज, लेकिन हां पहले 5 दिन में 150 करोड़ का आंकड़ा तो पार कर लेगी मूवी। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। दूसरा, ये आप लोग बताएंगे कि मूवी ब्लॉकबस्टर हिट होगी या नहीं। बाकी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।